कुलभूषण चाचा का इनका जो है बैग लॉक हो गया। देखिए वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब इस समय परेशान है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यहाँ पे सोए थे रात, बहुत अच्छे से सोए थे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। चारों तरफ पंखे ही पंखे लगे हैं प्रांगण में, और ये हमारे आसाराम बापूजी का प्रांगण है जो कि हमारे जितने भी साथ के लोग थे बहुत ही सुकून के साथ सोए हैं। कुलभूषण चाचा का इनका जो है बैग लॉक हो गया। देखिए वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब इस समय परेशान है क्योंकि इनका लॉक हो गया है। मौका मिल गया एक और, और आंटी जी बहुत परेशान तभी से कर रही हैं कि कैसे इनका लॉक खुल जाए। हो रही हैं परेशान कर रही हैं परेशान हो रही हैं सारी। आगे देखते हैं अगर खुलता फिर बताते हैं। फाइनली आंटी जी लॉक खोल दी हैं बहुत ज्यादा मेहनत के बाद। बहुत देखें खुल गया, खुल गया लेकिन लास्ट वाला लॉक आपका गड़बड़ हुआ था। 2-2-1 हो गया, 2-2-1 हुआ है आपका। हाँ 551 तुरंत आंटी जी को दिया जाए। बारिश हो रही है जम्मू काश्मीर में, यहाँ से आपको बारिश होती। हम लोग जिस कैंप में ठहरे थे देखिए उसमें पानी छू रहा है। ये देखिए बाहर का नज़ारा देखिए। क्या भाई हमेशा ऐसे बारिश होती रहती है? होती रहती बारिश हमेशा, हर रोज हो रही है, हर रोज होती है, हर रोज यहाँ पे होती है भैया कह रहे हैं। और फिर भी पहाड़ी एरिया भैया इस लंगर की जो है मेन है। और आपको जैसा कि मैंने कल दिखाया था कि जो लंगर चल रहा था, नाम क्या है आपके लंगर का? शिव गौरी मानव सेवा समिति बदायूं उत्तर प्रदेश से अपना ये लंगर है। पिछले 10 सालों से ये बाबा के दरबार में लोगों की सेवा दे रहा है और आगे भी अगर आप लोगों का साथ रहा, बाबा की कृपा रही, तो ये लंगर हमेशा साथ देता रहेगा। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, बारिश तो इतनी पड़ ही रही है कि आप इसमें भी आप खड़े हैं डट के, और अंदर जितने भी हैं सबका आपने वहाँ पे सेवा किया और देख भी रहे हैं क्या क्या अंदर घटित, क्या घटना, पानी भी अंदर आया था तो आपने सब व्यवस्था वहाँ पे किया। सेवा का यही मतलब है कि अपने आप परेशानी हो, दूसरे यात्रियों को परेशानी ना हो। अगर यात्रियों को परेशानी हुई तो लंगर लगाने का कोई फायदा नहीं है। सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, इस कारण जो है हम लोग नहीं कहीं जा पाए जहाँ पे जाना था। और देखिए भी आए हम लोग खाने के लिए जहाँ पे कल हमने खाया था। भाई साहब आए साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा किया है, करते भी हैं हमेशा। चलिए हमने और चलिए और आगे खा ले फिर उसके बाद आते हैं। हमारी गाड़ियां अमरनाथ जाने वाली जो है आपको इसी यहीं पे सारी बसें और गाड़ियां खड़ी होती हैं जो कि यहां से अमरनाथ जाती है। यात्रा के दौरान देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है, और ऐसे बहुत लंबी लाइन लगती है, इसमें चेकिंग होता है और देखिए कितने जन हैं। और अभी तो और है अंदर आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ है। वहाँ पे चेकिंग होती है और चेकिंग में जितना भी धूम्रपान और विशेष प्रकार की अगर आपने जो अच्छी चीज़ें नहीं रखी है उसे वहीं पे फेंक देते हैं, और फिर आपको एंट्री मिलती है अमरनाथ जाने की। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और भगवान से भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग पहुँच जाएँ जितना भी अच्छे से हो सके। और हमारे चाचा जी हैं तैयारी में प्रार्थना। टिकट में आए हम लोग घूमने के लिए, और भैया जी भाई आए बस हम लोग खाली घूम घूम खाया जाए बस। मस्ती बहुत लेकिन जगह जगह पे है खाने के लिए। यहाँ पे खाने की कमी नहीं पड़ने वाली, आप सभी भक्तजन आइए, खाने की कोई कमी नहीं पड़ेगी।
अभी इसके अंदर ही आया है, सड़क से बिल्कुल सड़क से बगल में है और एक पार्क है यहाँ पे लोग के चलाने के लिए, अगर इससे आप इधर उधर जिधर मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। देखो सब, हाँ एक एरोप्लेन इधर देखो उधर से, इधर तीन पहिया देखे दुक्तु गाड़िया गजा ये पसीने हैं, बच्ची भी देखिए कर रही है और इधर एक कमर तोड़ एक्सरसाइज है भाई साहब कमर। हाँ देखिए राजन भैया हमारे दोस्त गजब का आउटफिट कर लेते हैं, देखिए वाह। अरे हमारे भैया राजा बाबू हैं, देखिए इनका आइए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ है जो कि आप अपना हेल्थ सुधार सकते हैं, जरूरी है करना, बहुत जरूरी है। आप आइए और जॉगिंग कीजिए, बहुत सारे एक्सरसाइज का टूल है, आप इंजॉय कीजिए और जरूर आइए यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। सड़क के साइड में आपको दिखाते हैं कि सड़क के जस्ट बगल में ही पार्क है यहाँ पे। गणेश भगवान का है और इधर आप देख सकते हैं हनुमान जी का है, जय हनुमान। और कितना प्यारा है मंदिर बना है, देखिए एक एक तरासा हुआ चीज़ है इसी बना हुआ, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी हैं और हनुमान जी हैं पास में, आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा है। काशी के साथ इसमें बना हुआ है और माता सूर्य भगवान जी का है और माँ दुर्गा जी का है। कितना प्यारा मंदिर है, आप देख ही सकते हैं कि कितना सुकून मिल रहा है मन को, कितना आगे सुकून मिल रहा है। बाबा जी मंदिर कब बना हुआ मंदिर जैसे जी 10 साल। और यहाँ पे और कौन सी जगह है, जगह बता सबसे पुराना मंदिर है जी। और जगह प्लेस इस मंदिर का नाम से माँ भगवती जी, भगवती है। अच्छा माता के सबसे पहला यही सबसे पहला बाबा जी बता रहे हैं मंदिर यही है जिससे कि भगवती नगर भगवती माता मंदिर का नाम है और यहाँ से पूरे प्लेस का नाम भगवती नगर जम्मू में जो पड़ता है रखा गया है, बाबा जी बता। थैंक यू बाबा जी। अब सोना है और जल्दी जल्दी तैयारी करनी है सुबह जाने के लिए, क्योंकि 12-1 के बीच में हमको जा के जाना है बस पे और बस यहाँ से हमको लेके जाएगी अमरनाथ। तो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।